हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लास। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो मैंने स्क्रीन पे जो लिख के आपको दिया, ये हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस का सिलेबस है। इन्हीं सब चीज़ों को हमको अपने क्लास में इस सेमेस्टर में इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। ये LLB थर्ड सेमेस्टर का ये ज्यूरिसप्रूडेंस का सिलेबस है। इसको एक एक करके मैं अभी आपके सामने इन शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। तो जो शब्द हमने बोला आपसे, ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस विधि शास्त्र, दो शब्दों से मिला है, विधि और शास्त्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र उसमें क्या था, दो शब्द हैं, धर्म और शास्त्र। यानी कि धर्म को जानने के लिए किसको पढ़ना पड़ता है, शास्त्र को पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से विधि को जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, विधि शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। विधि शास्त्र, अब इसमें दो शब्द हैं, विधि और नॉलेज। जुरिस्प्रूडेंस शब्द क्या ये शब्द की उत्पत्ति प्रारंभ से ही थी? नहीं। बुर्जिल के अनुसार विधि शास्त्र को पहले विधि शास्त्र को हम सामाजिक विज्ञान के रूप में जानते थे। इसका जो इसके प्रारंभिक अवस्था में इसको हम विधि शास्त्र नहीं जानते थे, इसका प्रादुर्भाव सामाजिक विज्ञान के रूप में हुआ था। वो तो बाद में इसको जो इसका जो नाम है ज्यूरिसप्रूडेंस या विधि शास्त्र, इसमें जो रोल अदा किया था जिसने इसको देने में जो वो रोमन विधि शास्त्रियों ने इसमें अपना योगदान दिया था। रोमन विधि शास्त्रियों ने ही सर्वप्रथम ज्यूरिसप्रूडेंस शब्द को की खोज की थी, यूज किया था। ज्यूरिसप्रूडेंसिया लैटिन शब्द है, ज्यूरिसप्रूडेंसिया। ज्यूरिस का मतलब लॉ और प्रोडेंसिया का मतलब नॉलेज और स्किल, मतलब विधि का ज्ञान या विधि के बारे में कुशलता को हम विधि शास्त्र कहते हैं। अब सवाल उठता है कि विधि क्या है, तो विधि को सामंत कहते हैं, साइंस ऑफ लॉ। मतलब विधि जो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ है। अब ये विधि शब्द भी क्या प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ से ही है कि इसको भी हम अपने किसी अन्य नाम से जानते थे? तो विधि को हिंदू धर्म से धर्म हिंदू धर्म बोलते थे, ना कि विधि बोलते थे। जो विधि का काम क्या है, विधि क्या करता है, वो हमारे आचरण को रेगुलेट करता है। जिससे लॉ को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हम पहले भी गवर्न होते थे, तो उस वो किससे गवर्न होते थे, वो हम धर्म से गवर्न होते थे। हिंदू में उसको धर्म बोला जाता था, लॉ शब्द नहीं था, विधि जैसा शब्द नहीं था। ऐसे ही मुस्लिम उसको हुक्म बोलते थे, जिससे वो गवर्न होते थे, रेगुलेट होते थे, जिससे उनका बिहेवियर या कंडक्ट जो गवर्न होता था उसको हुक्म बोलते थे। रोम में उसको जस बोलते थे, फ्रांस और जर्मनी उसको ट्रायड बोलते, अन्य जगहों पर ऐसे ही इसके लॉ शब्द बहुत बाद में आया। अब लॉ तो जो ज्यूरिसप्रूडेंस का मैंने जैसा कि बताया कि ये दो शब्दों से, और इसको रोमन वासियों ने इस शब्द की खोज की थी। अन्य थिंकर्स भी इसको आगे चल के इसके प्रोग्रेस में अपना योगदान दिए थे। इसके बाद यूनानी, रोमन, अन्य चिंतकों का इसमें योगदान रहा है। इसके बाद जब हम ज्यूरिसप्रूडेंस को ये सोचते हैं कि पढ़ना किस लिए है, ये विधि शास्त्र को पढ़ना किस लिए, तो विधि के ज्ञान के लिए पढ़ना है। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है पढ़ने की, इसका स्कोप क्या है। तो जो विधि शास्त्र हैं, इसको जो ये कहा जाता है ना कि ये विधि शास्त्र है जो समस्त विधियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, और ये विधि के रूप में जो सामाजिक स्थिति है उसका ये विधि शास्त्र उल्लेख करता है। मतलब ये समस्त विधियाँ जो हैं इससे इससे ही अपना
कैसे हमको आगे क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, कैसे डेवलप करना है लॉ को, इस सारी चीज़ों का ये मार्गदर्शन विधि शास्त्र करता है। कहा जाता है कि विधि शास्त्र जो है ये समाज का दर्पण है और समाज का मेरुदंड कह सकते हैं इसको, समाज का मार्गदर्शक कह सकते हैं। पर एक बात है कि विधि शास्त्र में हम अन्य विधियों की तरह किसी अधिकार कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, ना ही किसी अधिकार के उल्लंघन में हम इसमें समाधान या उपचार जैसी चीज़ का अध्ययन करते हैं ना बात करते हैं ना। ये विधि शास्त्र हमको कोई उपचार नहीं दिलाता है, किसी भी कोई रेमेडी हमको नहीं मिलती अन्य विधियों की तरह, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टॉर्ट हुआ, या पनिशमेंट, इसमें जैसी कोई चीज़ विधि शास्त्र के अंदर नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, किस बात का अध्ययन करते हैं कि विधि शास्त्र में विधि व्यवस्था के जो आधार पर, विधि व्यवस्था का जो अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है, या साथ ही अधिकारों से संबंधित जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उन सब का इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसमें विधियों में जो सुधार की बात करना, विधि उपयोगी है या अनुपयोगी बनी है, इसके बारे में इसमें इस चीज़ का हम इस पे आकलन करते हैं विधि शास्त्र के अंदर, कि कोई लॉ जो बना है वो उपयोगी है या इसका कोई महत्व तो नहीं है, इस पे हम इसमें बात करते हैं, वो विधि शास्त्र के अंदर हम बात करते हैं। तो अब क्या इससे समझ में आया कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि के सिद्धांतों यानी कि विधि के जो लीगल थ्योरीज हैं उस पे व्याख्या, विधि को निर्मित करने के पीछे क्या रीजन है, और विधि का डेवलपमेंट किस तरह से हो, विधि और जो लीगल सिस्टम्स हैं उसका अध्ययन या क्या उसमें मेथड अपनाया गया, इन सब चीज़ों का, अन्य चीज़ों का हम विधि शास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि विधि शास्त्र का जो अगर अध्ययन का क्षेत्र हमको क्या मिला, लॉ मिला, मतलब कुल मिला के हम विधि शास्त्र में लॉ से ही रिलेटेड बातों का अध्ययन करते हैं। अब विधि शास्त्र के अंतर्गत जैसे समाज में व्याप्त, जैसे या भूत में मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो भी लीगल सिस्टम है उसका अध्ययन हम करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होगा, और आगे अपना भविष्य में कैसा लॉ हो, कैसे लीगल सिस्टम, कैसे प्रणाली बनाई जाए, इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा विधि का अध्ययन करने में, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि विधि के निर्मित कारणों के साथ ही राज्य में प्रभावी शासन व्यवस्था, उसका भी अध्ययन हम विधि शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये विधि शास्त्र जब भी मैंने बताया कि विधि की कमियों को उजागर करता है, उसकी समालोचना भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है। विधि शास्त्र जो है भविष्य के लिए विधि जो निर्मित की जाती है उसके लिए, मैंने अभी बताया आपको, कि मार्गदर्शक का काम भी करता है। तो इसलिए क्या है, ये एक अन्वेषण भी करता है समाज में व्याप्त बुराई को किस तरह से लॉ के माध्यम से समाप्त किया जाए, क्या कौन सी लॉ बनाई जाए, इन सब का अध्ययन और इन सब का इन्वेस्टिगेशन करके ये विधि शास्त्र लॉ बनाता है। तो इसलिए इसको अन्वेषणात्मक भी कहते हैं। जैसे इसी प्रकार हॉलैंड जो है, जुरिस्ट हॉलैंड ने इसको प्रारूपिक विज्ञान कहा, जबकि सामंड ने इसको क्या कहा कि ये नागरिक विधि का विज्ञान है, साइंस ऑफ सिविल लॉ, और कैल्सन ने इसको विशुद्ध विज्ञान कहा, वहीं एलन ने इसको क्या कहा कि वैज्ञानिक ये संश्लेषण है। अब विधि शास्त्र के अगर देखा जाए तो इसका जो महत्व है, इसलिए इसको हमारे जोरिस्ट लास्की हैं उन्होंने कहा विधि शास्त्र है वो विधि का नेत्र है, आई ऑफ लॉ, इसको इसके महत्ता को बताते हुए लास्की ने कहा, हैरल्ड लास्की ने, कि ये आई ऑफ लॉ है। किसी ने इसको मेरुदंड कहा, किसी ने इसको विधि की आत्मा कहा। तो कहा गया कि अगर इतने इसको इसके महत्व को बताते हुए, अगर विधि शास्त्र का ज्ञान आपको नहीं है तो आपका समस्त विधियों पे ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जिस तरह से अगर आपको भाषा को सीखना है तो व्याकरण को जानना आवश्यक होता है, उसी तरह अगर आपको लॉ जानना है तो आपको जुरिस्प्रूडेंस को जानना बहुत आवश्यक है। वेद शास्त्र का जो
अगर कोई जो जस्टिस हैं वो अगर विधि शास्त्रों को जानना आवश्यक है, कोई पॉलिटिशियन है, विधि के विद्यार्थी, यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति को भी विधि शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी विधि शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। अगर कोई जज अपने निर्णय में विधि शास्त्र के दर्शन, विधि के दर्शन के सिद्धांत को अगर विधि शास्त्र जानता है, तो उसके निर्णय में विधि शास्त्र के दर्शन देखने को मिलता है। अगर वो निर्णय विधि शास्त्र को जानने के बाद अपना निर्णय, तो वो जो उसके डिसीजन में उसके फिलॉसफी, उसके प्रिंसिपल्स दिखते हैं। ऐसे ही जो हमारे जो कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो कोई अगर कोई लॉ बनाना है और कोई बिल पास हो रहा है, तो उसमें जो बहस वो करते हैं, जो वो विधेयक को बनाने में बहस में जो भागीदारी अगर निभाते हैं और उनको जुरिस्प्रूडेंस का नॉलेज है, तो वो उनका वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, उनका उनकी भागीदारी लॉ बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसी तरह से कहा जाए कि विधि शास्त्र के अध्ययन से व्यक्तित्व का विकास होता है, तो इसमें कोई भी थोड़ा भी इसमें कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि विधि शास्त्र के विकास से, विधि शास्त्र के अध्ययन से, ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर एक विधिवेत्ता जो विधि शास्त्र का अध्ययन कर ले, तो उसको कहा जाता है ना, विधि शास्त्र एक आर्ट है। तो अगर वो इसका विधि शास्त्र का अध्ययन करता है, उसको अच्छी जानकारी हो जाती है विधि शास्त्र के बारे में, तो वो एक कुशल शिल्पी की तरह हो जाता है, और एक कुशल शिल्पी, कुशल चिकित्सक की भांति एक कुशल, मतलब एक स्किल्ड वाला एडवोकेट बन जाता है वो। अब वर्तमान में इसके उपयोगिता अगर देखें विधि शास्त्र की, तो विधि शास्त्र में सामाजिक समस्याओं का समाधान, विधि की क्या सार्थकता है, जेल प्रशासन में क्या सुधार करना है, दंड प्रक्रिया में कैसे सुधार करना है, अपराधियों की मनोदशा में कैसे परिवर्तन हो रहा है, निर्धन वर्ग को न्याय कैसे दिलाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से गरिमापूर्ण जीवन यापन करना है, इन सब चीज़ों को देने के लिए हमको विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब ये तो हुआ कि विधि शास्त्र का क्या मतलब है, विधि शास्त्र का क्या महत्व है। अब हम अपने दूसरे, इसको हम डेफिनेशन वगैरह डिटेल में इसके पढ़ेंगे, विधि शास्त्र के सभी अन्य विधि शास्त्रियों ने क्या क्या इसके परिभाषा दी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ और क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो दूसरा हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है, स्कूल्स, मैंने लिखा स्कूल्स। स्कूल्स क्या है, जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने लॉ की जो डेफिनेशन दी है, वो अलग अलग जितने भी जुरिस्ट हैं सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन, लॉ को डिफाइन करना इजी नहीं है, ये बहुत, कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन लॉ की नहीं दी जा सकती है, इसको डिफाइन करना बहुत ही टफ है। लेकिन फिर सभी विधि शास्त्रियों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन और दिया है, इसका वर्णन किया है। तो विधि शास्त्रियों ने जो अपने डेफिनेशन दी है, जो उनकी सोच है, जैसे विधि शास्त्र को कहते हैं आओ विचार करें, आओ सोचें, विधि शास्त्र को अगर देखा जाए तो इस तरह से जाना जाए कि विधि शास्त्र मतलब आओ विचार करें, आओ सोचें, मतलब हमको फिलोसफर बनना पड़ेगा। विधि शास्त्र को जानने के लिए हमको फिलोसफर की तरह चिंतन करना पड़ेगा। तो इसके जो डेफिनेशन अलग अलग विधि शास्त्रियों ने दी है, उसी को हम यहाँ स्कूल्स में विचारधारा के नाम से जानते हैं, कि उनके अलग अलग विचारधाराएं थी लॉ को लेके, लॉ के ओरिजिन को लेके, लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाए, लॉ कैसे बना है, इन सब के जो इन स्कूल्स में अलग अलग जुरिस्ट की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो जैसे अभी नेचुरल स्कूल, नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल और रियलिस्टिक, ये पांच स्कूल हैं। इन विचारधाराओं में एक विचारधारा है इनकी, जैसे कि मान लीजिए अगर एनालिटिकल की बात करें, तो ये प्रत्यक्षवाद है, एक ही विचारधारा के एक ही दिशा में ये लोग चलते हैं, लेकिन विधि के संबंध में इनके विचार पृथक, क्योंकि अपने अपने समकालीन ये लोग
विधि को अलग अलग विचारधारा में इसको अलग पृथक पृथक अपनी बात कहेंगे। जैसे कि प्रत्यक्षवाद, मतलब ये जो हमारे एनालिटिकल स्कूल है, इसके विचारक ऑस्टेन बेंथम, बेंथम फाउंडर हैं एनालिटिकल स्कूल के, ऑस्टेन कैल्सन हार्ट, अन्य और भी हमारे जोरिस्ट हैं इस स्कूल के, ये सभी क्या हैं, एक ही विचारधारा के प्रवर्तक हैं, एक ही स्कूल्स के प्रवर्तक हैं। लेकिन फिर भी ऑस्टिन क्या कहते हैं विधि को, विधि को कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सावरेन। विधि क्या है, विधि संप्रभु का समादेश है। वहीं केल्सन इसमें क्या कहते हैं, केल्सन इसको कहते हैं मानकों का विज्ञान है। बेंथम इसको में विधि में बहुसंख्यक की इच्छा को मानते थे, तो वहीं हार्ट इसको मान्यता संबंधी नियम के रूप में परिभाषित करते थे। ये सारी चीज़ें आपको अभी सुनने में नहीं लग रही, जब हमने इसको स्कूल में पढ़ेंगे तो इसको आप समझे, जब वहाँ समझेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा कि कैल्सन की थ्योरी, मानकों का जो सही नॉर्म्स की बात किया उन्होंने, प्योर थ्योरी की बात की, ऑस्टिन का सावरेन को ही सब कुछ मानते थे, या फिर हार्ट की बात आप वहाँ बेंथम के जो वो इंटरेस्ट की बात किया उन्होंने, ये सारी चीज़ों के स्कूल में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तरह से मैंने बताया आपको कि स्कूल के प्रवर्तक तो एक ही हैं, लेकिन अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार एक ही विचारधारा के रूप में विधि को एक ही दिशा में बताते हैं, लेकिन अपने समकालीन विभिन्न समाजों का आकलन करते हुए विधि की व्याख्या उन्होंने समाज की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग दी है। अब नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है, वो लॉ को कहता है लॉ ऑफ गॉड, मतलब दैवीय विधि को, मतलब जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए। हाँ, इसको डेवलपमेंट को इसमें डेवलपमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, क्या कहता है, वो स्टेट को, लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेट की बात उन्होंने की है। तीसरे स्कूल में हिस्टोरिकल स्कूल, उन्होंने ओरिजिन एंड हिस्ट्री, जैसे सेवनी वगैरह की बात हम लोग करेंगे, तो उन्होंने कहा ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ इज फाउंड नॉट मेड। मतलब ये जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि लॉ पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, जस्ट अपोजिट। एनालिटिकल स्कूल कहता है कि विधि बनाई जाती है। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले नाम से ही जैसे लग रहा है कि सोशल कंट्रोल की बात, इन्होंने कहा कि मनुष्य का विधि पर प्रभाव क्या है और विधि का मनुष्य पर क्या, मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ लॉ ही सोसाइटी को कंट्रोल नहीं करता है, कहीं कहीं सोसाइटी भी कंट्रोल करती है अपने जो हम सोसाइटी में लोग हैं उसको सोसाइटी कंट्रोल करती है। पहले तो पंचायत होती थी, फिर अगर सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता था तो वो उसको अपनी सोसाइटी से बहिष्कृत कर देती थी। बहुत तमाम सारी चीज़ें थी जो सोसाइटी भी किसी व्यक्ति के कंडक्ट और बिहेवियर को कंट्रोल करता था। ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद रियलिस्ट स्कूल, रियलिस्ट स्कूल क्या कहता है, स्टडी ऑफ लॉ एज इट वर्क एंड फंक्शन, मतलब रियलिस्ट से ये यथार्थ की बात करते हैं ना कि आदर्श की बात करते हैं। ये स्कूल वाले व्यवहारिक दर्शन से बहुत प्रभावित हैं, अमेरिका में इसकी जड़ें हैं। इसको ये जज द्वारा बनाए गए उस पे लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस ये हुआ स्कूल, जैसे इसमें है होम्स, फ्रैंक, लेवलिन आदि आदि जुरिस्ट इसमें हुए हैं। अगले इस पे हम लोग अब आते हैं, अगला हमारा जो सेक्शन है वो है सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ को अब हम जानेंगे कि जो लॉ है हमारे पास, जो बन के मिली हमको, उसका स्रोत क्या है। तो स्रोत के पहले समझेंगे कि स्रोत होता क्या, तो सामान्य अर्थ में तो यही होता है ना कि स्रोत का अर्थ है उद्भव या विधिक पद्धति की जो प्रारंभिक व्यवस्था में किस तरह से उसको लाया जाता होगा। तो स्रोत का मतलब तो यही हुआ ना कि इसका उद्भव किस तरह से हुआ, इसको विधिक पद्धति की प्रारंभिक व्यवस्था में लाने के लिए क्या कार क्या क्या सोर्स इसको इसको हेल्प किया होगा। जैसे भारत में क्या है, विधि के स्रोत का अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग अपने इंडिया में, इसका मतलब हुआ कि प्राचीन भारतीय विधिक व्यवस्था में स्रोत क्या होगा, हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में श्रुतियाँ स्मृतियाँ। इसी तरह से मुस्लिम लॉ में भी हमने स्रोत पढ़ा है। इंग्लैंड में विधि के स्रोत का अर्थ मानते हैं कि वो परंपराएं
उनकी जो है कन्वेंशंस और रूढ़ी को मानते हैं वो श्रोत। रोमन और यूनानी में भी मानते हैं कि वेद शास्त्र में वेद का श्रोत प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के इनर कॉन्शस से वो स्रोत मानते थे कि जो लॉ निकला वो इनर कॉन्शस से निकला, रीजनेबल जस्टिस के बाद उस कॉन्सेप्ट को रोमन और यूनान में लाया गया। अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो विधि का स्रोत क्या है, विधि का स्रोत किस पे ज्यादा बल देता है, राज्य के संप्रभु का समादेश या आदेश के रूप में हम लोग प्रेजेंट में विधि के स्रोत को स्वीकार करते हैं। तो विधि का उद्भव किससे मानते हैं, उसको राज्य से मानते हैं। तो अब हो इसमें बात करेंगे सोर्स, जो हम इसमें तीन तरह के सोर्स पढ़ेंगे, इसमें तीन तरह के जो सोर्स हैं अपने पास, पहला क्या है कस्टम। कस्टम से सभी परिचित हैं हम लोग, कस्टम रूढ़ या प्रथा जिसको बोलते हैं, इसको सर हेनरी मेन ने, इसके जो हमारे पास कस्टम है ये ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने और कंट्रोल करने की बहुत ही पुरानी सदियों से चली आ रही है मशीनरी अपने पास। हेनरी मेन सर ने इसको, इसके महत्व को बताते हुए कहा कि सभी विधियों का प्रारंभ प्रथा से होता है। देखिए मैंने सर हेनरी मेन ने इतनी बड़ी इसके महत्व को बताते हुए किस तरह से कहा कि जो भी जितनी भी विधियां हैं उसका प्रारंभ किससे होता है, वो प्रथा से ही होता है। इस तरह से हम लोग कस्टम को पढ़ेंगे। इंग्लैंड में भी रूढ़ी को बहुत ही प्राचीन स्रोत के रूप में माना जाता है। ऐसे ही अन्य इसको हम लोग डिटेल में जब इसके चैप्टर में कि रूढ़ियाँ किस तरह से कैसे बनी और आई। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अपने पास है क्या, इसका पूर्व निर्णय जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ में, प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय। अभी अगर मान लीजिए वर्तमान में किसी लीगल सिस्टम के बारे में, लीगल सिस्टम में अगर विधि की जानकारी आपको चाहिए कि क्या लॉ है, उसके नॉलेज आपको चाहिए, तो आप सबसे, अगर आपके पास सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन, जैसे कहा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से मिलेगी, वो आप किसके लिए कहाँ देखते हैं, प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय किसको कहेंगे, जो उच्चतर न्यायालय के विनिश्चय जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व निर्णय। और वो ही निर्णय जो है निचले न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट्स में वो इफेक्टिव, प्रभावकारी या बाध्यकारी, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने तरह का होता है। वैसे इसके महत्व को देखें तो पूर्व निर्णय का सिद्धांत सभी विधिक व्यवस्थाओं में विधि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसके इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसका उद्भव कहाँ हुआ था, इसका ओरिजिन आंग्ल व्यवस्था से माना जाता है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत जो है न्यायालय के दृष्टांत जो होते हैं, न्यायालय के जो लिस्ट वो एक रूप में दूसरे न्यायालय के विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। जो पूर्ण निर्णय होते हैं दूसरे न्यायालय के लिए एक प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं। तीसरा है अपने पास लेजिस्लेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। विधि सभी राज्यों में आवत का स्रोत है, जो ये हमारे विधान है, ये जो लेजिस्लेशन है वो सभी राज्यों में आबद्ध कर है, ये स्रोत इसको, इससे सभी राज्य बाध्य होते हैं। प्रेजेंट में तो मैंने बता ही दिया कि विधान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। विधि के स्रोत के रूप में अगर विधान जो है किस तरह से बनता है, ये सक्षम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा विधिक नियमों की जो घोषणा की जाती है। जो विधायक विधान जो है विधायिका के द्वारा निर्मित होता है, तो विधायिका का गठन ही इसीलिए किया जाता है, विधान विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, और विधायिका का गठन ही इसीलिए किया जाता है कि वो विधि को निर्मित किए करे। इस तरह से अब हमने तीन जुरिस्प्रूडेंस को देखा, जुरिस्प्रूडेंस के बाद स्कूल्स को जाना, स्कूल के बाद हमने सोर्सेज ऑफ लॉ को जाना, ये मिल गए हमको लॉ। अब लॉ, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है, लॉ बना किस लिए, लॉ के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। लॉ भी बन गया, हमने विधि की डेफिनेशन भी देख ली, विचारधाराओं को भी देख लिया, विधि बनी किस तरह से, होती क्या है, कस्टम प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन सोर्स भी देख लिया। अब जो ऑब्जेक्ट है लॉ का, बनाया किसके लिए है, तो उसके लिए होती है सोसाइटी। सोसाइटी किससे बनती है, पर्सन से। तो पर्सन, अब लॉ, लॉ को आखिर, अभी मैंने जो
हम कब जब हॉब्स नेचुरल लॉ में पढ़ेंगे कि हॉब्स लॉ क्रूसर ने जो थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, कि कैसे हमारे राइट्स और कैसे हम शुरू में जब सिविलाइज नहीं थे, जंगलों में रहते थे, तो किस तरह से हमारे राइट्स हमको नहीं मालूम थे, दूसरा जो कमज़ोर था उसको हमेशा उसको प्रताड़ित करता था। तो इस तरह से हमने सिस्टमेटिक रूप से एक सिस्टम बनाया, सिस्टम में एक व्यक्ति को अपने राइट्स दिए, वो हम गवर्न करने लगा। तो ये हम हॉब्स लॉ क्रूसो के थ्योरी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। तो अब इस पे क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्सेप्ट क्या है। अब लॉ किस लिए बना है? लॉ इसलिए बना है कि आपके कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। लॉ आपको बनाने का मेन चीज़ है कि आपके पास कुछ अधिकार और कर्तव्य होंगे, तभी हम सोसाइटी को सिस्टमेटिक तरीके से रख, एक के राइट्स होंगे जिसका कोई दूसरा अगला उसका उल्लंघन नहीं करेगा, दूसरे के पास ड्यूटी होगी। इसको बहुत ही हम लोग अच्छे से डिटेल में इसके समझेंगे जब। तो कहा जा सकता है कि समाज में जब मानव का विकास हुआ तो उसी उसी के साथ ही साथ प्रारंभिक अवस्था में जब उनकी अविकसित स्थिति थी, तो जीवन निर्वाह करने के लिए उनको कुछ जीवन निर्वाह प्रथम जो उनकी चीज़ थी, जैसे मैंने अभी स्टोरी तरह आपको बताया कि उनके पास क्या था, विकास की प्रथम अवस्था में ही उनको विधि के रूप में क्या मिला, अधिकार और कर्तव्य मिला। प्रारंभिक अवस्था में तो विधि और अधिकार में कोई अंतर ही नहीं था, माना जाता था अधिकार का मतलब ही लॉ था, लॉ का मतलब ही अधिकार था। बाद में जर्मन विचारकों ने इसको बाद में इसमें अंतर बताया है। तो विधि में अधिकार और कर्तव्य हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ का पहला टॉपिक है, राइट्स एंड ड्यूटी। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि अब जो राइट्स एंड ड्यूटी है किसके पास, ये है लीगल पर्सनैलिटी, या कह सकते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। ये जो लीगल राइट्स एंड ड्यूटी है हमारे पास वो किसको, ये तो हमारे टूल्स हो गए ना लॉ के, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राइट्स एंड ड्यूटी, और उसको किसको देना है, अब किसके पास रहेगा वो, लीगल पर्सनालिटी या ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी। अब इस पे चर्चा हम इस जब यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है लीगल पर्सनालिटी, क्या होता है। तो देखा जाए कि लॉ का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को रेगुलेट करना। तो व्यक्ति व्यक्ति और समाज क्या, लीगल पर्सनालिटी। तो विधिक व्यक्ति कौन है, जब लीगल जो राइट्स एंड ड्यूटी मिली है विधिक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, विधि द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कर्तव्य डाला गया, कर्तव्य निरूपित किया गया। तो यही अधिकार और कर्तव्य का उपयोग कौन करेगा, वो एक व्यक्ति। तो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, व्यक्ति के अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति को मान्यता दी जाएगी, जिसको हम राइट्स एंड ड्यूटी देंगे, क्या सभी को राइट्स एंड ड्यूटीज होगी, ये सारी चीजों को जानेंगे लीगल पर्सनालिटी के तहत। तो व्यक्ति के अंतर्गत किस प्रकार का व्यक्ति विधि में मान्यता प्राप्त करता है, ये भी एक विधि शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस का विषय वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम लोग अच्छे लीग पर्सनालिटी, जैसे कि ये भी लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ, इसका मतलब है पर्सनालिटी, आपने एक मुखौटा आपको है वो, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लीगल पर्सनालिटी के बाद आएंगे हम पोजीशन पे। अब पोजीशन क्या है, अब पोजीशन एंड ओनरशिप दो बातें आएंगी यहाँ पे। तो पोजीशन, जब हमें राइट्स एंड ड्यूटी मिल गई, लीगल पर्सनालिटी मिल गई, तो मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं अनिवार्य चीजों की उन्हें आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को। तो जैसे मान लीजिए भोजन, कपड़ा, आवास, वातावरण के अनुकूल, समाज को कार्य करने के लिए जो भी मशीनरी, ये सब चीज़ें उसके बेसिक नीड्स हैं जो उसकी, ये सब चाहिए होता है मनुष्य को। अब जो मनुष्य के पास ये चीज़ें हैं, इसको प्राप्त करते ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, वो पाते ही उस वस्तु पे अपना कब्जा रखता है, पजेशन लेता है। तो अब पजेशन व्यक्ति और वस्तु के, मतलब जो कब्जा है व्यक्ति और वस्तु के संबंधों की विवेचना, उसका अध्ययन जो है पजेशन, मतलब वस्तु और व्यक्ति के बीच क्या संबंध हुआ, कब्जा कब्जे के द्वारा इसकी हम विवेचना, मतलब इसका अध्ययन हम जुरिस्प्रूडेंस में करते हैं।
समाज में जैसे ही विधि अस्तित्व में आई, सर्वप्रथम जैसे ही अस्तित्व में आई, तो उसी तरह कब्जे को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया। राइट्स, ड्यूटी, पर्सनालिटी और पजेशन। अब पजेशन के बाद हमारे पास अगली जो टॉपिक है वो है ओनरशिप। पजेशन मतलब पहले वस्तु, जो हमारी बेसिक चीजें हैं उस पे हमने उस वस्तु पे पजेशन लिया। अब पजेशन के बाद आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप विधिक तथा सामाजिक हित के साथ। ऑनरशिप जो है ना वो लीगल और सोशल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पजेशन तो हमें मिल गया। अब ऑनरशिप है जो वो लीगल और सोशल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। यह व्यक्ति तथा विषय वस्तु के बीच संबंधों को बताता है। व्यक्ति और विषय वस्तु जो थी उसके, जैसे कि पजेशन ने भी क्या किया था, व्यक्ति और वस्तु के संबंध को बताया, उसी तरह से ये भी व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंधों को बताता है। अब स्वामित्व संपत्ति से उद्भूत होने वाला सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्कृष्ट राइट है ये। ऑनरशिप जो पजेशन से, इसका महत्व दोनों को हम लोग तुलना में देखेंगे कि पजेशन कहा जाता है कि स्वामित्व से, पजेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वामित्व है। स्वामित्व जिससे हॉलैंड कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स निम्नतम रूप में एक कब्जे का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार निम्नतम रूप में क्या है? कब्जे का अधिकार है। लेकिन और सर्वोच्च रूप में जो ओनरशिप है हमारे पास, वो क्या है? वो सर्वोच्च अधिकार है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा ये जो जुरिस्प्रूडेंस, जो हमारा ये सिलेबस है, इसको मैंने आज कवर किया। अगले वीडियो में फिर आपसे नए विषय पे मैं आपसे फिर चर्चा करूँगी।